हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट सीड। आज हम पढ़ेंगे मोनोकोट और डाइकोट सीड की जो एनाटॉमी है उसके बारे में। तो हेडिंग डालें आप, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट सीड। मोनोकोट मीन्स एक बीज पत्री और डाइकोट मीन्स द्विबीज पत्री। इन दोनों के बीज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे आज हम, कि इसकी एनाटॉमी में देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है सीड में, और उस स्ट्रक्चर से आगे जो मतलब प्लांट ग्रो करता है तो कौन सा पार्ट किस पार्ट को डेवलप करता है आगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लिख लीजिए साइड पर, जैसे यहाँ मैं बताती हूँ पहले डाइकोट के बारे में, यहाँ लिख लीजिए डाइकोट सीड और यहाँ लिखिए मोनोकोट सीड। अब आपके सामने मैं दो डायग्राम बनाती हूँ, आप खुद उनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है डाइकोट में और मोनोकोट में। देखिए स्ट्रक्चर देखी होगी आपने किस तरह से होते हैं डाइकोट और मोनोकोट से, नाम तो आपने सुने ही होंगे, जैसे रेडिकोल होता है और प्लूम्यूल होता है, दो पार्ट होते हैं इसके सीड के अंदर। जैसे इसमें बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है डाइकोट है ना, तो दो कोटिलीडोन है, तो ये क्या है टू कोटिलीडोन, क्या है टू कोटिलीडोन। ठीक है, कोटिलीडोन का नंबर कितना है दो है, जबकि उसमें देखिए ये जो बना हुआ है ना लाल, ये क्या है एक कोटिलीडोन है, क्या है कोटिलीडोन। इस कोटिलीडोन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, ध्यान रखिएगा स्क्यूटेलम। जो मोनोकोट सीड का जो लार्ज सीड कोटिलीडोन होता है सीड का, उसे हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोटिलीडोन को बोलते हैं, ठीक है उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। अब यहाँ पर ये जो जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई है, अगर वहाँ पे हम बात करें तो किस तरह से बनेगी, देखिए इसके अंदर बना होगा इस तरह से एम्ब्रियो और बाहर क्या बना होगा सीड। ये स्ट्रक्चर देखिए, इसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। क्लियर, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और जबकि इसमें देखिए ये
ये वाला जो पार्ट है, ये जो इसकी बेस वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं रेडिकल, इसे बोलते हैं रेडिकल। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं फ्लोम्यूल। अब देखिए, अगर बात हो मोनोकोट सीड या डाइकोट सीड की, दो टर्म्स इन दोनों में सिमिलर होंगी। कौन सी? एक तो ये रेडिकल और एक फ्लोम्यूल, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा फ्लोम्यूल है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे फ्लोम्यूल लिखते हैं, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे लिखते हैं रेडिकल। क्लियर? अब ये दोनों, इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, ये जो दो टर्म्स है ये दोनों में कॉमन है। अब इनका मतलब क्या होता है ये देखिए, जैसे यहाँ लिखा है फ्लोम्यूल, फ्लोम्यूल होगा वो जब ये सीड ग्रो करेगा, डेवलप होगा, तो जो फ्लोम्यूल होगा वो क्या बनेगा, शूट बनाएगा। इसको लिख लीजिए, फ्लोम्यूल आगे क्या बनाता है, शूट बनाता है। जबकि हाथ से रेडिकल तो आप क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, ठीक है। अब शूट में आपको पता है कौन कौन से पार्ट आ गए, स्टेम आ गया, ब्रांचेज आ गई, लीफ, वो सारा एरियल पार्ट जितना भी होता है वो शूट होता है। जबकि अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रूट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फ्लोम्यूल का काम क्या है, शूट बनाएगा, और यहाँ पर रेडिकल का काम क्या है, रूट बनाएगा, ठीक है। आया समझ? ये दोनों डायग्राम है इसके मोनोकोट के और इसके डाइकोट के। अब यहाँ पर देखिए ये वाले जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, कौन सी, ये वाली, ये जो होल हमें देखने को मिल रहा है, ये जो कोर है, इस कोर को हम बोलते हैं माइक्रोफाइल। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए कोर को, वैसे इसका नाम माइक्रोफाइल। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, ये जो दोनों सीड हैं, दोनों जो सीड हैं, सीड कोटिलीडन्स हैं, ये कोटिलीडन्स जिस बेस से आपस में जुड़े होते हैं, जिस बेस से आपस में जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं हाइलम, जिस बेस से ये आपस में जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं हाइलम, क्लियर। और ये जो स्मॉल पोर होता है, स्मॉल पोर देखा होगा आपने, अगर चने को देखो, ये जितने भी डाइकोट होते हैं उनमें होल जरूर होता है, जिससे क्या करते हैं, होल टू ग्रो करते हैं, ठीक है, और जर्मिनेट होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर होती है माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल वैसे आपको पता ही है, जैसे अगर हम ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल में जो एंड होता है सबसे ऊपर वाला, उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, जहाँ से इसकी एंट्री होती है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। आगे फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से होता है, पोलन ट्यूब से मेल निकलिया जाता है और फीमेल एग से जो फ्यूज होता है, और जो दूसरा होता है, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर मैंने टर्म लिखी है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमेशा ध्यान रखिए थ्री एन होता है, मोस्टली जो एंडोस्पर्म है वो थ्री एन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दो तो क्या होते हैं, मेल फीमेल, जैसे यहाँ पर ओव्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें हम, ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंड है इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्लियर। ये वाला एंड को माइक्रोपाइल बोलते हैं, यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करती है, पोलन ट्यूब इस तरह से, इस पोलन ट्यूब के अंदर एक दो मेल गैमेट होते हैं या दो मेल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। उनमें से एक तो क्या है, वो एग के साथ फ्यूज होता है, जबकि दूसरा वाला यहाँ दो सेंटर में एक पोलर न्यूक्लियस होते हैं, उनके साथ आके फ्यूज होते हैं। ये वाला एक तो इसके साथ फ्यूज होगा, क्या बन जाएगा, जाइगोट, और दूसरे वाला किसके साथ फ्यूज होगा, किस पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो ये जो तीन सेल वाले, तीन न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ना, इसे बोलते हैं थ्री एन, और ये मिलकर क्या बनाती है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ध्यान रखिए क्या है, न्यूट्रिटिव पोर्शन है, इसका काम होता है सिर्फ न्यूट्रिशन देना या फूड को स्टोर करके रखने का, क्लियर। तो ये काम होता है एंडोस्पर्म का। और ये बाकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, कोटिलीडन्स हो गया, रेडिकल, फ्लोम्यूल, हाइलम हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये जो कोटिलीडन्स हैं फ्लैशी हैं, यहाँ पर जो कोटिलीडन है क्या है, फ्लैशी है, और उनका काम क्या होता है, फ्लैशी कोटिलीडन, इनका काम होता है फूड को रिजर्व करके रखने का, फूड रिजर्व करके रखने का काम है कोटिलीडन का। अब यहाँ पर देखिए ये जो डाइकोट होते हैं, ये जो डाइकोट हैं ये हमेशा क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, क्या होते हैं, डाइकोट क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक मतलब समझते हो, जिसमें एंडोस्पर्म बनेगा वो तो एंडोस्पर्मिक होंगे, जबकि मोनोकोट क्या होते हैं, ये दोनों होंगे, या तो एंडोस्पर्मिक होंगे या नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, या तो एंडोस्पर्म बनेगा या एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है,
या मेरे न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता, न्यूट्रिशन कम मिलता है तो क्या होता है वो डेवलप नहीं हो पाते, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में एंडोस्पर्म नहीं बनता, तब वो प्लांट को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एंडोस्पर्मिक प्लांट कौन से होंगे और नॉन एंडोस्पर्मिक कौन से होंगे। और डाइकोट क्या है, वो मोस्टली सारे के सारे क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे। जो डाइकोट हैं वो हमेशा क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे, जबकि जो मोनोकोट है वो हमेशा नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। बट एक्सेप्शन यहाँ पर दोनों आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि एंडोस्पर्मिक है लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हमारे पास एक्सेप्शन, जिसमें क्या होगा जो प्लांट डाइकोट सीड है वो क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। अब ये देखिए नॉन एंडोस्पर्मिक होगा तो किसमें होगा, किसमें होगा, तो होगा लेग्यूम्स में, बीन लिख लीजिए इसके अंदर, ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो ये दो एग्जांपल लिख लीजिए इसके अंदर जिसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सब में क्या होगा, एंडोस्पर्म बनेगा। क्लियर, ये स्ट्रक्चर है इसकी। और ध्यान रखिए एंडोस्पर्म किससे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से। एंडोस्पर्म किससे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से। अब हम थोड़ी बात करते हैं इसकी मोनोकोट सीड की। अब यहाँ देखिए इसके सीड में काफ़ी पोर्शन है, वो तो ब्रीफ में है, तो यहाँ देखिए ये जो कोटिलीड्रोन है, लार्ज कोटिलीड्रोन, इसको हम बोलते हैं स्क्यूटैलम। स्क्यूटैलम
ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और किस ग्लैंड के अंदर होता है तो ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी की जो सबसे लार्ज जो ग्लैंड होती है लीवर, उसके अंदर स्टोर होता है फूड, ठीक है। और किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। जब हमें खाना ना मिले तो कौन सी, वही एनर्जी काम में आती है ग्लाइकोजन वाली। इसी तरह से प्लांट में क्या काम आता है, स्टार्च, क्लियर। तो स्टार्च को स्टोर कर रखते हैं, और वैसे क्या फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। आपको पता है ग्लूकोज से आगे जब इनको एब्जॉर्ब करते हैं अच्छे से, तो जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी हो या प्लांट हो, दोनों में ही कंडीशन होती है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर मेजर, जैसे यहाँ पर ये जो कवरिंग है सीड कोट की कवरिंग है, या सीड कोट, सीड जो कवर है कोटिलिडन से, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो बना है टेस्टा से प्लस टैगमन। यहाँ पर जो कवरिंग हो रही है, जैसे वहाँ जो कवरिंग हो रही थी किसकी, एल्यूरियन लेयर की, एल्यूरियन लेयर है ना वहाँ पर, तो इसी तरह से यहाँ पर जो आउटर लेयर है उसे वो किसकी बनी है, टेस्टा और टैगमन। ये दो नाम है, नाम से पता चलता है इनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है। एल्यूरियन का काम भी प्रोटेक्शन का है, और ये जो टेस्टा टैगमन है इनका काम भी प्रोटेक्शन का ही होता है। और यहाँ पर मोनोकोट में देखिए, वहाँ पर मोनोकोट में सीड कोट जो क्या है, सीड कोट देखिए यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आपको देखिए मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये वाली जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, यहाँ लिख लीजिए मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। दिख रहा है यहाँ पर जो फ्यूजन हो रहा है, ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है स्ट्रक्चर, ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फ्यूज्ड है किसके साथ, इसके साथ फ्रूट वॉल के साथ, ठीक है। फ्रूट के बाहर वाली जो वॉल है उसके साथ फ्यूज्ड है ये स्ट्रक्चर, क्लियर। यही मेजर डिफरेंस है मोनोकोट में और डाइकोट में। एक बार दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, डायग्राम ध्यान में रखिएगा, इसी डायग्राम से आप सारे कैरेक्टर लिख दोगे। अगर डायग्राम को अच्छे से देख लिया तो सारे कैरेक्टर आपको यूँ ही याद हो जाएंगे। तो देखिए सबसे आउटर लेयर की बात करते हैं, टेस्टा और टैगमन से बनी हुई है। यहाँ पर हाइलम प्रेजेंट है जो दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है, और बेस पे एक होल प्रेजेंट है जिसे हम माइक्रोवाइल बोलते हैं। अब यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर वाला पार्ट क्या है, लुम्यूल है, जबकि बेस वाला पार्ट क्या है, रेडिकल है। लुम्यूल क्या बनाएगा, शूट वाला पार्ट बनाएगा, रेडिकल क्या बनाएगा, रूट्स बनाएगा, ठीक है, क्लियर। और इसमें जो एंडोस्पर्म बनेगा, डायोड सीड में एंडोस्पर्म बनेगा, बट एक्सेप्शन जैसे ग्राम और बीन है इसमें एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, जबकि बाकी सबको एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, हो गया। इसमें देखिए फ्लैशी होता है कोटिलिडॉन, किसको रिजर्व करके रखता है, फूड को। जैसे मान लो फूड रिजर्व का काम एंडोस्पर्म का है, लेकिन कई बार क्या हुआ एंडोस्पर्म जैसे इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो फूड स्टोरेज कौन करेगा, कोटिलिडॉन्स करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, और ये एक चीज़, एंडोस्पर्म हमेशा कैसा होगा, 3N होगा, ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। यहाँ पर जो आउटर लेयर उसे हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर मोनोकोट में, ठीक है। इसमें एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर साइड के एंडोस्पर्म है, और यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है फ्यूज्ड है किससे, फ्रूट बॉल से। और इसकी जो आउटर ही जो कोटिलिडॉन है इसे हम बोलते हैं स्क्यूटैलम, कोटिलिडॉन को स्क्यूटैलम बोलते हैं। इसके अंदर वही लुम्यूल रेडिकल स्ट्रक्चर है, लुम्यूल स्ट्रक्चर क्या बनाएगी, शूट बनाएगी, रेडिकल स्ट्रक्चर रूट बनाएगी। लुम्यूल के बाहर जो उसको कवर करके रखने का काम है, कोलियो मीन्स कवर, पिटाइल मीन्स फ्लूम्यूल, कोलियो मीन्स कवर, राइजा मीन्स रेडिकल, क्लियर। रेडिकल को कवर करके रखने वाला कोलियो राइजा, फ्लूम्यूल को कवर करके रखने वाला कोलियो पिटाइल। और ये स्ट्रक्चर ओव्यूल की है, जिसमें देखिए एंडोस्पर्म, ये थी 3N स्ट्रक्चर जो बनती है इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ये तो बन गया एंडोस्पर्म, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए एंडोस्पर्म बन गया। यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो जाइगोट के बाद बनेगा। यहाँ पर जो जाइगोट बना है, जाइगोट जैसे जैसे उसको न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, उसका साइज बड़ा होता जाएगा, तो जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए दोनों, यहाँ क्या बना एंडोस्पर्म, ये भी एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर, और यहाँ क्या बना जाइगोट, फिर जाइगोट से क्या बना एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर ये रही, ठीक है। एंडोस्पर्म का काम क्या है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का, ठीक है। एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन होता है तो प्लांट क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये था एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट एंड
डाइकोट सीट हमारे पास। ये यूनिट थर्ड आपकी कंप्लीट है। यूनिट थर्ड में ही लास्ट टॉपिक था, आगे हम इसके बाद जब यूनिट फोर्थ स्टार्ट करेंगे तब आपकी स्टार्ट करेगी एम्ब्रियोलॉजी। तब हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो यूनिट थर्ड यहाँ पे कंप्लीट।